कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.3 का 7वां प्रश्न है। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। पहले तो इसका मतलब समझ लो, हमें तीन संख्याएं लिखनी है उसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए। बच्चों अनवसानी का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अनावर्ती जिसमें कोई भी डिजिट बार बार एक पैटर्न डिजिट्स का रिपीट ना हो, संख्याओं का पैटर्न रिपीट ना हो उसे कहते हैं अनावर्ती, खत्म ना हो उसको कहते हैं अनवसानी। तो जैसे देखिए हमें तीन संख्याएं लिखनी है अनवसानी अनावर्ती, और हमें पता है कि अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय यानी रूट्स वाली। तो देखो मैंने यहां लिखा रूट दो, रूट दो को यदि हम हल करेंगे तो वो दशमलव में आता है 1.41412135062 डैश 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 डैश, यानी ये अंत ही नहीं है, ये चलता ही रहेगा हमेशा। और यहां आप देख रहे हैं कोई भी डिजिट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कभी चार आ रहा है, कभी एक, कभी चार, फिर कभी दो, कभी एक, कभी तीन, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये बन गई अनवसानी अनावर्ती संख्या। ऐसे ही रूट तीन, इसकी वैल्यू है 1.732050808 डैश डैश, ये चाहे आप तो रूट निकाल के भी देख सकते हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं ना तो इसका अंत हो रहा है ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए यह अनवसानी अनावर्ती है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से रूट पांच है 2.236067977, इस प्रकार से इसका भी ना तो अंत है ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी यह अनवसानी अनावर्ती संख्या है। इसका मतलब हमें कहा गया था तीन संख्याएं लिखो जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, तो वो संख्याएं हैं रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, और हमने इनके दशमलव प्रसार से दिखा भी दिया कि यह अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिख ली है इनके बीच में। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5/7 का दशमलव प्रसार देखा, वो है 0.71428, ये आगे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से 9/11 इसके इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 0.81881 डैश डैश डैश, ये भी खत्म नहीं होगा। हमने इनके बीच की यानी इस दशमलव और इस दशमलव, इस दशमलव और इस दशमलव के बीच की संख्याएं लिखनी है, तो तीन अपरिमेय संख्याएं जो अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी जिसका अंत ना हो, अनावर्ती जिसमें कोई पैटर्न रिपीट ना हो दशमलव का। तो देखो पहली संख्या मैं लिखता हूं 0.71 से बड़ी लिखनी है तो मैं लिखता हूं 735, जो भी मैं लिख सकता हूं डैश 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 डैश, ये डैश 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 का मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रही, और यहां पे 7/1 और 8/1 के बीच की संख्या है 7/3। 0 ऐसे मैं लिख सकता हूं 7562301 डैश 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 डैश, ये भी अंत नहीं हो रहा और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, और ये 0.71 और 0.81 के बीच की है 0.75। इसी प्रकार से कोई भी आपके जो मन में आए लेकिन 0.71 और 0.81 के बीच की संख्या आपने लिखनी है, तो कोई भी और संख्या जैसे मैं लिखता हूं 0.7634, जो मेरे मन में आए वो मैं आगे जो मर्जी लिख सकता हूं, शुरू वाले दो अक्षरों में आपने 0.71 और 0.81 के बीच, 0.0 तो है ही है, 71 और 81 के बीच की कोई संख्या लिख देनी है, आगे जो मर्जी आप बनाते रहो डैश 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 डैश। तो इस प्रकार से 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं, यानी अपरिमेय संख्याएं कौन से होते हैं, अनवसानी अनावर्ती, जो खत्म ना हो और जहां कोई दशमलव का पैटर्न रिपीट ना हो, ये हमने लिख दी है।